बांग्ला में मौजूद हूँ और पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कहीं कहीं छिटमुट शिकायतें मिली हैं ईवीएम खराब होने की, तो करीब यहाँ 30-40 इंजीनियर हैं इलेक्शन कमीशन ने जिनको यहाँ तैनात कर रखा है। जहाँ से भी सूचना आती है वहाँ तत्काल जाके हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं जो प्रशासन का अधिकारी है। और इसके अलावा लगभग 11 घंटे का पोलिंग टाइम है, हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी ऐसा आदमी जो वोट देने के इच्छुक हो वो अपने राइट से वंचित नहीं रहेगा। जी प्रशांत जी, क्या इस वक्त आपके साथ कमिश्नर सहारनपुर भी हैं? मैं चाहूंगी अगर पॉसिबल हो तो एक बार उनसे बात करा दीजिए। जी मैं उनको देता हूँ, आप उनसे बात करें। जी जी मैं कमिश्नर सहारनपुर। वीपी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत भारत समाचार पर आपका। वीपी त्रिपाठी जी, हम देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से मतदान शुरू हुआ और लगभग 7:51 पर पहली सूचना आई कि ईवीएम खराब हुई है, और तब से लेकर लगातार सर अब तक ये शिकायतें मिल रही हैं कि भारी मात्रा में ईवीएम मशीनें खराब हो रही हैं। अब तक आपके पास क्या अपडेट है? जी ईवीएम मशीन नहीं खराब हो रही है, एक्चुअली वीवीपैट जो इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया है जी, उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे पास पर्याप्त संख्या में इंजीनियर्स हैं, जो कंपनी के इंजीनियर हैं, वही लोग मैजिस्ट्रेट लोगों के साथ लगातार मोबाइल हैं और जाके मौके पे लगातार ठीक कर रहे हैं। जी क्या ये मान लिया जाए कि जो समस्या आ रही थी उसका समाधान हो गया है और फिलहाल जो मतदान हो रहा है सुचारू रूप से चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही मतदाताओं को? जी मतदान बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, पूरी निष्पक्षता से चल रहा है। सारी जगह सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट मोबाइल हैं। मैंने स्वयं जो है पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र का भ्रमण किया है और अभी हम और डीआईजी लगातार हर संवेदनशील क्षेत्रों पे जाके और खुद भ्रमण कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पूरी तरह पूरी निष्पक्षता से चुनाव संपन्न हो। विपिन त्रिपाठी जी, एक अहम समस्या देखने को मिली है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो प्रत्याशी हैं तबस्सुम, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये शिकायत की गई है चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल के द्वारा कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके के जो क्षेत्र हैं वहां पर ईवीएम मशीनें ज्यादातर गड़बड़ी देखने को मिली है। क्या वहां पर जमीनी स्तर पर आपने वहां जाकर देखा या जांच पड़ताल की गई कि ये आरोप सत्य हैं या फिर वहां वाकई गड़बड़ियां नहीं है? देखिए ईवीएम मशीन ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में खराब हुई है, और ईवीएम नहीं, ये केवल वीवीपैट की समस्या है। तो वीवीपैट जहां जहां खराब हो रहा है इंजीनियर जा रहे हैं और वो पूरा स्कैटर्ड है, और इंजीनियर्स का ये कहना है कि वीवीपैट मशीन चूंकि कम टेम्परेचर में ऑपरेट करती है और शायद गर्मी ज्यादा होने की वजह से दिक्कत आ रही है, जो मैंने इंजीनियर से बात किया, लेकिन उसको वो खुद उसका टेक्निकल एरर रिमूव करके और उन मशीनों को चला रहे हैं और इलेक्शन पूरी सुचारू रूप से चल रहा है। जी लेकिन वीपी त्रिपाठी जी, माफी चाहूंगी, एक चीज और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, तबस्सुम हसन ने ये साफ कहा मीडिया से बात करते हुए कि जो दलित बाहुल्य इलाके हैं या मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहीं पर सबसे ज्यादा मशीनों को खराब कराया जा रहा है, तो ऐसे में ये बड़ा आरोप है क्योंकि हमारा पूरा इलेक्शन का स्टाफ लगा हुआ है, सेक्टर मैजिस्ट्रेट है, जोनल मैजिस्ट्रेट है, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट है, एसडीएम्स हैं, सीडीओज हैं, डीएम्स हैं, मैं खुद हूँ, लगातार पूरे क्षेत्र में हम लोग मोबाइल हैं और भ्रमण कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। और वीवीपैट अगर खराब हुई है तो हर विधानसभा क्षेत्र त्रिपाठी जी, हर बहुत शुक्रिया आपका, खराब हुई है उसको हम लोगों ने तत्काल ठीक कराया है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं चाहूंगी प्रशांत कुमार जी से एक बार मेरी बातचीत करा दीजिए, एक बार मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। तो ये थे सीपी त्रिपाठी जी जो कि कमिश्नर हैं सहारनपुर के, ये कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। प्रशांत जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत कुमार जी, क्या आवाज मिल रही है आपको मेरी? हेलो
जी प्रशांत जी, एक अहम सवाल है मेरा, एक लाठी चार्ज की भी समस्या देखने को मिली थी और ये आरोप लग रहे थे कि वहां पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया है, और खासकर जो आरोप एक मैन जगह पर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सबसे ज्यादा वीवीपैट खराब हो रहे हैं, तो क्या आपने वहां जाकर देखा जमीनी हकीकत क्या है, ये आरोप सत्य है या फिर यहाँ पर सिर्फ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं इस तरीके के? देखिए, ये आरोप सरासर निराधार है जी। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि जो बूथ है वो पैरामिलिट्री वहां लगी हुई है, तो वहां जो भी बूथ के अंदर की कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, लेकिन जो निर्धारित कंडक्ट है, अगर बूथ के बाहर भीड़ भाड़ है या वहां कोई भीड़ भाड़ करके और डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसी कोई शिकायत नहीं है मार पीटने की। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस लगातार भ्रमणशील है और हम लोग कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने देते हैं जी। और ये इसका भी सम्मान किया जा रहा है कि जो भी आदमी वोट देने जा रहा है और जिनके पास पहचान पत्र है उनको उनको पूर्ण सुरक्षा दिया जाए और सभी लोग मतदान करें। ये सब आरोप निराधार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लगातार हम लोग भ्रमणशील है। इसके अलावा जो जो प्रेक्षकगण आए हैं भारत सरकार से वो भी लगातार भ्रमणशील है। लेकिन प्रशांत जी, कई जगह मतदाता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घंटों खड़े होने पड़ा है, उसके बाद यहाँ वहां पर ईवीएम मशीन को ठीक कराया गया, क्या वाकई ये सच है या फिर कितना टाइम लगा वहां? पर ईवीएम को ठीक कराने के लिए ये आपसे समझना कि मतदाता कह रहे हैं कि घंटों लाइन में लगने के बाद वहां पर ईवीएम मशीन ठीक हुई है। देखिए, ये स्वीपिंग रिमार्क्स देना कि घंटों लगता है, ये सही नहीं है जी। हमने तो स्वयं देखा कि थोड़ी मोटी टेक्निकल स्नैग है, वो 10 मिनट में 5 मिनट में ठीक हो जा रहा है, और करीब 15-20 बूथों का भ्रमण मैंने स्वयं किया है जी। और सबसे पूछा है वहां जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं उनसे भी पूछा है कि आप बताएं यहाँ कोई दिक्कत है, सबने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं जी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी निगरानी में वहां पर मतदान सुचारू रूप से चलता रहेगा और जो छुटमुट समस्याएं आ रही हैं उसका समय रहते निवारण भी कर लिया जाएगा। मतदाताओं को जो समस्या आ रही है आगे शायद उनको इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो देखा आपने, एडीजी से हमारी खास बातचीत हुई, सहारनपुर के कमिश्नर ने साफ बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, जो भी समस्या मतदाताओं को हो रही है तत्काल प्रभाव से उसका निराकरण किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। संवाददाता नरेंद्र प्रताप इस बीच हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जीरो ग्राउंड पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, मतदाता कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है? नरेंद्र,